स्वागत है आपका आवाज न्यूज राजस्थान में। अनुपगढ़ उपखंड कार्यालय के समक्ष लगाया आमरण अनशन। सोना देवी गोदारा पत्नी भूप सिंह गोदारा निवासी 2 PM ने आरोप लगाया कि उसके पति भूप सिंह द्वारा मारपीट कर और अज्ञात व्यक्तियों को घर में घुसाकर घिनौनी हरकत करने का आरोप। 5 दिन से अनशन पर बैठी पीड़िता की हालत खराब होने पर जाट समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सोना देवी गोदारा को 4 बीघा जमीन देने का वादा, पर दूसरे दिन भी जाट समाज के लोगों ने जवाब दे दिया। मजबूर होकर सोना देवी ने दोबारा धरना लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रमेश बागड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। आज हमारी टीम पहुंची SDM कार्यालय के बिल्कुल सामने। एक महिला जो कई दिन पहले अनशन पर बैठी थी, उसका नाम है सोना देवी गोदारा। तो कई दिन पहले इन्होंने अपने रिश्तेदारों से लेके या गणमान्य व्यक्तियों को लेके राजीनामे की बात कही, तो उनसे सबसे मिलके इन्होंने राजीनामा भी कर लिया। कहते जी चलो आपको 4 बीघा जमीन दिलाएंगे। तो ये झूठा आश्वासन देके इसका अनशन करवा दिया और दूसरे दिन ही कोई नहीं आया। ठीक है, तो आइए करते हैं बात सोना देवी से। सोना देवी जी, जो जो घटना हुई वो बताइए आप। 7 तारीख की को मेरे को जाट धर्मशाला में रेतराम जी नाइक तहसीलदार और रामेश्वर जी कुमार जो डॉक्टर से अनुमति लेके साइन करके मेरे को वहाँ से छुट्टी दिलवाकर जाट धर्मशाला में लेके गए। ओके, हमने पंचायत रखी है, 10 मिनट बाद वापिस हम हॉस्पिटल छोड़ जाएंगे और आप हमारे साथ चलो और हम जो आपकी मांग है वो पूरी करेंगे। वहाँ पर राजाराम जी लेकर रामेश्वर जी कुहाल, हेतराम जी नायक तहसीलदार और मुखराम जी नेहरा पटवारी, मूलचंद जाखड़ और मेरा चाचा ससुर लालचंद और पुलिस के अधिकारी, पुलिस CI जयप्रकाश, CI जयप्रकाश और महिला पुलिस कमला, उनकी मौजूदगी में मेरे को अनशन करवा कर उन्होंने जूस पिलाया और कहा आपकी जो मांग है वो हम पूरी करेंगे। उसमें मांग ये थी कि 4.25 बीघा जमीन आपके नाम करवाई जाएगी और कर्जा मुक्त करके और उसके बदले में 4 बीघा जमीन भागसराय वो भूप अवलालचंद के करवाएगा। मैंने ये शर्त मंजूर की थी और दूसरे दिन कोई नहीं आया और तीसरे दिन मूलचंद जाखड़ और सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और पंचायत से ये बात मुकर गए कि हम ये आपको झूठा आश्वासन दिलाकर मेरा अनशन करवा दिया। आज मैं फिर 10 तारीख को कल से धरने के समक्ष कार्यालय के सामने बैठ रही हूँ।